सोलन में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। टिकट न मिलने से सिरमौर में भाजपा से बागी हुई दयाल प्यारी को मुख्यमंत्री ने बहुत समझाया और दयाल प्यारी ने उन्हें चुनाव न लड़ने का आश्वासन भी दिया। सोलन में वीरवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टिकट न मिलने से सिरमौर में भाजपा से बागी हुई दयाल प्यारी को मुख्यमंत्री ने बहुत समझाया और दयाल प्यारी ने भी उन्हें चुनाव न लड़ने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्हें भाजपा नेताओं द्वारा सोलन में भाजपा नेता के होटल में गुप्त रूप से रखा गया था ताकि वे अपने समर्थकों और परिवार से दूर रहे। भाजपा की मंशा साफ थी कि वे चाहते थे कि कोई उन्हें चुनाव लड़ने के लिए ना उकसाए, लेकिन परिवार और उनके समर्थकों को इस बात की भनक लग चुकी थी और सुबह होते ही होटल में समर्थक जुड़ गए। पहले तो दयाल प्यारी के परिवार से दूर रखा गया, लेकिन दयाल प्यारी खुद होटल से बाहर आई और समर्थकों से लंबी बातचीत की और बाद में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बात यहीं खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी, लेकिन बात आगे बढ़ी क्योंकि जैसे ही दयाल प्यारी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उन्हें भाजपा कार्यकर्ता जबरन परिवार के सामने मानो किडनैप कर जीप में बिठा रहे थे और वहां से एक गाड़ी को भगा दिया। परिवार के लोग इस बात का विरोध करते रहे, लेकिन किसी की एक ना सुनी गई। बाद में खुलासा हुआ कि जिस गाड़ी में उसे बिठाया गया वे दयाल प्यारी के ही समर्थक की है और वे चाहते हैं कि वे नामांकन वापस ना लें। आजाद उम्मीदवार दयाल प्यारी ने मीडिया के समक्ष ये ऐलान किया कि कुछ लोग उनके बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि वे नामांकन वापस लेंगी, लेकिन ये झूठ है। पछाड़ की जनता को उनकी जरूरत है और वे चाहती हैं कि वे चुनाव लड़ें तो उसका परिणाम जो भी हो वे लड़ने को तैयार हैं और वे नामांकन वापस नहीं ले रही हैं और ना ही उन्होंने नामांकन वापस लिया। उन्होंने कहा कि वे आज से ही अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू कर रही हैं। एक साइड मेरी सरकार है, एक साइड मेरा संगठन है, एक साइड मेरी जनता है। इस टाइम में जो आवाज है वो जनता को दयाल प्यारी की जरूरत है। अब उसमें मुझे क्या अंजाम मिले वो पछाड़ की जनता को तय करना है। एक मेरा पार्टी में जो 1977 से लेकर के मेरे जो परिवार जूझ रहा है, और आज जब मेरे को ये मौका मिलना चाहिए था, मुझे टिकट मिलना चाहिए था, तो मुझे क्यों नहीं दिया गया। मेरी जनता का यही रोष है। जब मेरी सीएम साहब से बात हुई थी तो मैंने हामी भरी थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपने जनता से बात करूंगी, लेकिन जिस तरह से इन लोगों को पता लगा, मुझे नहीं पता कि कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी जनता पीछे चिंतित है, सारे लोग चिंतित है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो, किसी बहकावे में तो नहीं आ रहे हो। मैं किसी भी बहकावे में नहीं आई हूँ। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने बात जरूर कही है कि बेटा हम लोग एक पार्टी के हैं और मुखिया होने के नाते उन्होंने मुझे समझाया भी है तो, लेकिन एक साइड वही बात है कि कुछ तानाशाह लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अगर पार्टी से बाहर चली जाऊं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे ये डर है कि अगर मैं पार्टी के अंदर रह के माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे सारे काम करेंगे, लेकिन वहाँ जो क्षेत्रीय समस्या है वो तानाशाही है, उस तानाशाही को रोकने के लिए आज पछाड़ की जनता को है आवश्यकता है दयाल प्यारी, हमें उससे लड़ना है। इसलिए जो है अभी मैं स्टैंड हूँ, मैंने अभी जो अपना नामांकन कुछ भी वापस नहीं लिया है, मैं अपनी जनता के साथ हूँ। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि मैंने नामांकन वापस कर लिया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसने ऐसा कर लिया, लेकिन मैं अभी स्टैंड हूँ, लोगों के साथ हूँ। मेरे भाई यहाँ पे, उन्हें पता नहीं इतनी टेंशन लगी रहती, दीदी आप कहाँ हो कहाँ हो। आज से कैंपेन शुरू हो रहा है और मैं आजाद के रूप में जो है चुनाव लड़ रही हूँ। तो ये था आजमपुर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।